हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं एक्सरसाइज 7.4 व्हिच इज बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले डिस्कस करते हैं इंट्रो के बारे में। तो इस एक्सरसाइज के लिए इंट्रो में कुछ आइडेंटिटीज है जो आपको लर्न होनी चाहिए। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डीएक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन 2 ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। सेकेंड इसी के सिमिलर है इंटीग्रेशन 1 अपॉन अगर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हो तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 ए लॉग ऑफ, यहां पे देखो इसका अपोजिट हो जाएगा यानी कि ए प्लस एक्स अपॉन, यहां पे एक्स माइनस ए था, यहां पे ए माइनस एक्स प्लस सी। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड आइडेंटिटी इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डीएक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। फोर्थ आइडेंटिटी इज फोर्थ एंड फिफ्थ सिमिलर है, कैसे देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डीएक्स और इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डीएक्स, ये लगभग सिमिलर है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस दिस टर्म यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी, और ये भी सिमिलर है। तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी। ये फिफ्थ आइडेंटिटी। और सिक्स आइडेंटिटी इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डीएक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये है सिक्स आइडेंटिटीज। सेवंथ आइडेंटिटी इज इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर बी एंड सी आर सम कॉन्स्टेंट्स। तो हाउ टू वी इंटीग्रेट दिस, तो इसके लिए सबसे पहले आप हमें क्या करना है, देखो बी एक्स जो है उसको इक्वल रखना है टू ए एक्स के। ऐसा क्योंकि हमने हमें पता है कि ए स्क्वेयर प्लस बी, ए प्लस बी होल स्क्वेयर क्या होता है, देखो ए प्लस बी होल स्क्वेयर इक्वल होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, यानी कि टू ए बी आता है, यहां पे x है तो टू ए एक्स आ जाएगा। तो इसीलिए हम इसको कंपेयर करेंगे टू ए एक्स से। उसके बाद यहां से हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, देखो x से x कैंसल, तो जो b है वो इक्वल है टू a के, तो a क्या हो जाएगा b बाय टू, ये आ गई है की वैल्यू। उसके बाद हमें क्या है ए स्क्वेयर को ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है इस इक्वेशन में। यहां एग्जांपल दिया हुआ है मैंने आपको, तो इस एग्जांपल से समझते हैं। और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट और है कि जो एक्स स्क्वेयर है उसके लिए कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, यानी ए कॉमन निकालेंगे तो यहां पर बी बाय ए, यहां पर सी बाय ए, और ये क्या आ जाएगा बाहर। उसके बाद ये सब प्रोसेस करना है, यानी कि एक्स स्क्वेयर का कोई भी कोफिशियंट नहीं होना चाहिए या फिर केवल एक ही कोफिशियंट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वेयर के आगे अगर वन लिखोगे, लिखो या ना लिखो, तो यानी कि एक्स स्क्वेयर का वन के अलावा कोई भी कोफिशियंट नहीं होना चाहिए इस सिचुएशन में। तो यहां से देखो हम क्या करेंगे, थ्री को बाहर निकालते हैं, तो वन अपॉन थ्री इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 10/3। अब उसके बाद 13/3x इसको इक्वल रखते हैं 2ax के, 2x के इक्वल रखेंगे। तो यहां से x कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आ गई 13/6, तो a आ गया हमारे पास 13/6। तो a स्क्वेयर को ऐड करेंगे और a स्क्वेयर को क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट, एड ए स्क्वेयर एंड सब्सट्रैक्ट। तो देखो इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से, आप एग्जाम्पल से ही समझ लेना।
तो ऐड करेंगे 13 का स्क्वायर 169, 6 का स्क्वायर 36, तो 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x। ये अगर प्लस है, ये क्या है 2ax है, अगर ये प्लस है तो बी स्क्वायर क्या होगा, ऑब्वियसली प्लस होगा, तो प्लस 169 अपॉन 36 माइनस 10/3 और माइनस 169/36। तो यहां से ये कंप्लीट बन जाएगा, क्या एक कंप्लीट फॉर्मूला कि x प्लस 13/6 होल स्क्वायर। इसकी जगह पे मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूं, देखो x x का स्क्वायर प्लस 169/36 प्लस 2ab, यानी कि 2 x 13/6, यानी कि 13/3x। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट क्या बन गया, स्क्वायर। तो इस तरह से कंप्लीटिंग करते हैं स्क्वायर का, और इसको माइनस देखो 3 पे 12, 120 माइनस 169 अपॉन 36, एक ये बन गया। तो इसको तो मैं एज इट इज रखते हैं, एक्स प्लस 13/6 होल स्क्वेयर माइनस 9, 2 और 6 8, और 1 और 1 2/36। तो ये क्या आ गया हमारे पास वैल्यू, और ऊपर dx इंटीग्रेशन 1/3। अब इसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में आइडेंटिटी बताई थी कि 1 अपॉन x² - a² ए स्क्वेयर कैसे करेंगे इसको, देखो 289 है तो 17 का स्क्वेयर, और 36 है तो 6 का होल स्क्वेयर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में आइडेंटिटी बताई थी कि 1 अपॉन x² - a² क्या होता है, 1 अपॉन 2a, इसको आप टी लेट कर सकते हो। तो 1 अपॉन 2 a क्या है 17/6, यानी कि 6 ऊपर जाएगा, लॉग ऑफ एक्स माइनस ए, यानी कि एक्स प्लस 13/6 माइनस 17/6 डिवाइड बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास इसकी वैल्यू। अब इसको फर्दर सोल्व कर सकते हो आप, इसका एलसीएम ले सकते हो, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, या फिर यहां तक भी रख सकते हो। तो यहां पे मेन स्टेप क्या है हमारे पास कि कंप्लीट कैसे करें इस स्क्वेयर को। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया, पहले सबसे पहली बात, एक्स के स्क्वेयर के आगे कोफिशियंट नहीं होना चाहिए, या फिर 1 ही कोफिशियंट होना चाहिए, यानी कि यहां पे अगर केवल 1 है तो ठीक है, अगर 2 आ गया तो यानी कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। 3 था यहां पे, हमने 3 कॉमन लिया। उसके बाद जो एक्स वाली टर्म होगी, हमेशा याद रखना एक्स वाली टर्म को 2ax के इक्वल रख देना, वहां से a की वैल्यू जो आएगी उसके बाद उसका स्क्वेयर कर देना a स्क्वेयर, उसको इक्वेशन में ऐड और सब्सट्रैक्ट करना। अब अगर यहां पे देखो माइनस 13/x होता तो भी 169/36 आता, यहां पे प्लस है तो भी यही आया। तो यहां से आइडेंटिटी बन गई x प्लस 13/6 होल स्क्वेयर, क्यों, क्योंकि ये क्या है b का स्क्वेयर, और b क्या है 13/6 होल स्क्वेयर। माइनस इन कैल्सियम लिया, उसके बाद सिंपली सोल्व किया। उसके बाद नेक्स्ट 8th आइडेंटिटी इज इंटीग्रेट px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो जो px प्लस q है वो इक्वल होगा ad/dx ऑफ दिस डिनोमिनेटर, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस बी, जहां पे ए और बी क्या है कॉन्स्टेंट्स है। उसके बाद जो पी एक्स प्लस क्यू है, जो ये टर्म है, तो इसको हम इसमें ट्रांसफॉर्म कर देंगे, और ए और बी कैसे फाइंड करेंगे, तो ऑन कंपीट या फिर ऑन कंपेयर जो एक्स यानी कि कोफिशियंट या कॉन्स्टेंट टर्म को अलग से करेंगे, यानी कि q को b के इक्वल रखेंगे जो कॉन्स्टेंट टर्म है, और जो कोफिशियंट वाली टर्म है यानी कि x का कोफिशियंट, यहां भी x का कोफिशियंट आएगा, उनको इक्वल रखेंगे। तो ये था हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें इसको ये देख लेते हैं। तो देखो x प्लस 2 इक्वल होगा a,
डी बाय डी एक्स ऑफ दिस टर्म 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस बी। अब x प्लस 2 तो एज इट इज, इसको सोल्व करते हैं। 2x² का डेरिवेटिव 4x, तो 4x प्लस 6x का 6 और 5 का 0 इंटू ए प्लस बी। कंपेयर करें अगर हम, देखो पहले इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 4ax प्लस 6a प्लस बी। यहां से कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, 6a प्लस बी, ये कॉन्स्टेंट है। तो 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 6a प्लस बी के। और अगर कोफिशियंट को कंपेयर करें तो 4a इक्वल होगा 1 के, 4a इक्वल है x का कोफिशियंट 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/4, और b की वैल्यू क्या आ गई 1/4 रखेंगे तो 2 - 6/4 इज इक्वल टू बी, यानी कि 8 में से 6 गया, 2/4 1/2, तो 1/2 क्या आ गई b की वैल्यू और a की वैल्यू 1/4। तो जो इक्वेशन है हमारे पास यहां पे, तो a की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, देखो इसकी इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई। तो a की जगह पे क्या रखेंगे 1/4 और b की जगह पे 1/2। तो रखते हैं इसको इक्वेशन में, देखो 1/4 4x प्लस 6 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन डिवाइड बाय 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx, ये आ गया। अब इसको स्प्लिट करें एक तरफ इस और एक तरफ इस साइड, यानी कि 1/4 इंटीग्रेशन 4x प्लस c अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। अब हमने इसको स्प्लिट कर लिया। अब अगर हम इसको t मान ले तो जो इसका डेरिवेटिव है वो ये ही आएगा। तो यानी कि dt का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4x प्लस c कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन t dt और यहां पे 1/4। और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, log t। तो 1 अपॉन 4 log t क्या है, 2x² प्लस 6x प्लस 5। एक तो आ गया हमारे पास i1, लेट से दिस, प्लस सेकंड टर्म क्या आएगी, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। तो देखो 2 को अगर हम बाहर ले तो ये क्या हो जाएगा 4, ये 2 यहां से कैंसिल, यहां पे 3 और यहां पे 5/2। अब उसके बाद 3x को किसके इक्वल रखेंगे, 2ax के। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई 3/2 और a स्क्वायर की वैल्यू 6/3 का स्क्वायर 9/4। तो 9/4 ऐड करेंगे और 9/4 सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं। देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 3x प्लस 5/2 प्लस 9/4 माइनस 9/4। यहां पे ये क्या है, पॉजिटिव है प्लस 3x, तो यहां पे भी क्या आएगा पॉजिटिव। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस 5/2। तो ये क्या होगा, एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा एलसीएम, यानी कि माइनस 9/4 प्लस 2 टू द 4 5 टू द 10, यानी कि क्या आ गया 1/4। और 1/4 क्या होगा, 1/2 का होल स्क्वायर। तो देखो इसकी फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास इंटीग्रेशन 1/4 बाहर था, 1/x + 3/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और 1/x² प्लस ए स्क्वायर ये इक्वल होता है 1/a यानी कि 1/2। तो 2 टेंजेंट इनवर्स x यानी कि 2x + 3 एलसीएम लेंगे, तो 2x + 3 डिवाइड बाय 2
और 2 ऊपर, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक्स अपॉन ए होता है, ए क्या है 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा तो इससे ये कैंसिल, प्लस सी। तो यानी कि फाइनल वैल्यू आ गया हमारे पास 1/4 log 2x प्लस 6x प्लस 5 प्लस 2 टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस सी। ये आप डायरेक्ट सोल्व नहीं करना, इसको कैसे करना देखो, x प्लस 3/2, तो इसको t मान लेना, उसके बाद dx और dt इक्वल ही आएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो dt इक्वल dx आ जाएगा, उसके बाद t की वैल्यू पुट कर देना, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई 1/4 log 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 2 टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस सी।